स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्रोमेटोग्राफी जो कि आपको पेज नंबर थर्टी फाइव पे दिया गया है हमने जैसे कि चैप्टर के टाइटल में पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे जो एक्सपेरिमेंटेशन में यूज होती हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक दी गई है दैट इज क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी का वर्ड जो है ये ग्रीक लेटर से डिराइव किया गया है जिसमें क्रोमेटो का वर्ड डिराइव है क्रोमेटोस से जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है कलर और ग्राफी का मीनिंग है टू राइट मींस इसका मतलब है कलर राइटिंग और आप आगे चल के देखेंगे कि इसमें आपकी जो सेपरेशन होती हैं वो आमतौर पर विजुअल होती हैं कलर्स की बेसिस पे आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसिकली क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक है इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन का फिनोमिना इन्वॉल्व है जैसे कल आपने सॉल्वेंट एक्सट्रेक्शन के टॉपिक में देखा है इसमें क्या होता है इसमें सॉल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है सॉल्यूट से मुराद हमारे पास यहाँ पर वो सब्सटेंस है जिसकी आप सेपरेशन करना चाहते हैं सॉल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है टू फेजेज में कौन कौन सी फेजेज इन्वॉल्व होती है एक फेज कहलाती है मोबाइल फेज मोबाइल मीनिंग मूविंग मूविंग या मोबाइल फेज मोबाइल फेज आपके पास या तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगी क्योंकि यही दो हमारे पास मैटर की फॉर्म्स हैं जो कि मूव कर सकती हैं। हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में जो दूसरी फेज इन्वॉल्व होती है वो कहलाती है स्टेशनरी फेज जो अपनी जगह पर फिक्स रहती है स्टेशनरी फेज आपके पास क्या हो सकती है या तो आपका कोई सॉलिड हो सकता है सॉलिड सपोर्ट हो सकती है या फिर आपके पास लिक्विड हो सकता है एड्सॉ ऑन सॉलिड यहां पर इस वर्ड को ध्यान से देखिए इट इज एब्जॉर्ब एबजॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज का किसी दूसरी सब्सटेंस की किसी दूसरी सरफेस के साथ एडहेयर हो जाना उसकी से जाकर अटैच हो जाना जबकि एब्जॉर्ब क्या होता है किसी चीज के अंदर पेनिट्रेट कर जाना इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं एक इमेज की हेल्प से ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये इमेज है जहां पर एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क है एड्जॉर्पन आपके पास क्या है कि हमारे पास कोई सरफेस है जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आकर आप देख रहे हो सरफेस पर अटैच हो रहे हैं तो ये एड्जॉर्प्शन कहलाती है और एब्जॉर्प्शन क्या होती है एब्जॉर्प्शन में आप देखो कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके सर्फेस के अंदर जाके पेनिट्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जो वर्ड देख रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन नहीं है दैट इज एड्सॉर्प्शन के यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास स्टेशनरी फेज में या तो आपके पास इन्वॉल्व होगा कि आपकी स्टेशनरी फेज एक मुकम्मल सॉलिड है या फिर आपके पास ऐसी स्टेशनरी फेज हो सकती है जिसमें मॉलिक्यूल्स एडहेयर हुए हुए हैं किसके साथ सॉलिड सरफेस के साथ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड सरफेस के साथ एडहेयर हुए हुए हैं ये हो सकती है या फिर दिस वन लिक्विड एड्सॉर्ब ऑन सॉलिड अब सेपरेशन किस बेस पर होती है सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव एफिनिटीज कि आपका जो सॉल्यूट है उसकी इन दोनों फेजेज में से किसके साथ ज्यादा एफिनिटी है सॉलिबिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी हो सकता है सॉलिबिलिटी की बेसिस पे हो सकता है और डिफरेंट चार्जेस की बेसिस पर ये फैक्टर जो है वो हो सकता है डिपेंड करता है कि आपके सोल्यूट की ज्यादा जो टेंडेंसी है वो किसकी तरफ है मोबाइल फेज की तरफ है या फिर स्टेशनरी फेस की तरफ है इस बेस पर सॉल्यूट क्या करता है खुद को इन दोनों फेजेज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है इस डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पर यहां पर हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट क्या बताती है हमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट हमें ये बताता है कि

के की वैल्यू आ रही है स्मॉल वो कब आएगी जब आपके पास देखें यहाँ स्टेशनरी फेज के साथ के का रिलेशनशिप क्या है इनवर्स अगर आपके पास स्टेशनरी फेज में उस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपके के की वैल्यू क्या आएगी स्मॉल और अगर आपके मूविंग फेज में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो के की वैल्यू भी क्या आएगी ज्यादा इट मीन्स कि आप इसमें ये कह सकते हैं कि आपके पास के के साथ मोबाइल फेज का जो रिलेशनशिप है वो क्या है डायरेक्टली और स्टेशनरी फेज के साथ जो के का रिलेशनशिप है वो क्या है इनवर्सली रिलेटेड है इट मीन्स की अगर आपको के की वैल्यू गिवन है और आप देख रहे हैं कि के की वैल्यू स्मॉल है इसका मतलब है कि स्मॉल वैल्यू मीन्स की आपका जो सोल्यूट था वो ज्यादा उसकी कंसेंट्रेशन कौन सी फेज में रही है स्टेशनरी फेज में इसका मतलब है कि उसकी स्टेशनरी फेज के साथ इफिनिटी ज्यादा थी कंपेयर विथ मूविंग फेज और अगर आप देखते हैं कि आपके के की वैल्यू लार्ज है तो लार्ज वैल्यू का मतलब क्या है कि उसकी ज्यादा कंसेंट्रेशन कौन सी फेज में थी मूविंग फेज में इट मीन कि आपका जो सॉल्यूट था उसकी ज्यादा एफिनिटी टेंडेंसी किसकी तरफ थी टूवर्ड्स मोबाइल फेज थी अच्छा उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हमने क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है वो हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी को हमने जो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है वो दो टाइप्स हैं एक हमारे पास कहलाती है एडजॉर्पन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी हमारे पास कहलाती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी अब ये जो आपके पास एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है ये जो हमने दोनों टाइप्स पढ़ने लगे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज है अगर आपकी स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है उस सूरत में आपकी क्रोमेटोग्राफी क्या कहलाएगी एड्सॉर्पन क्रोमेटोग्राफी क्योंकि आपका सॉल्यूट क्या करेगा खुद को उस सॉलिड सरफेस के साथ एडजॉर्ब करेगा हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की दूसरी टाइप है दैट इज पार्टीशन पार्टीशन में आपकी स्टेशनरी की नेचर क्या होती है लिक्विड होती है लेकिन लिक्विड किस फॉर्म में होगा लिक्विड आपका जो है हो सकता है कि वो किसी सॉलिड सरफेस के साथ एडजॉर्ब हुआ हो और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एड्सॉर्पन किस तरह से हो सकती है इसका मतलब है कि जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसमें आपकी मोबाइल फेज तो ऑलरेडी क्या है लिक्विड फॉर्म में अगर है तो आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में सॉल्यूट क्या कर रहा है खुद को दो लिक्विड फेजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक लिक्विड फेज कौन सी आपके मोबाइल फेज की दूसरी लिक्विड फेज कौन सी आपकी इसकी स्टेशनरी फेज की क्लियर और यहाँ पर एड्जॉर्पन क्रोमेटोग्राफी में आपका सॉल्यूट क्या कर रहा है खुद को दो फेजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक फेज आपकी क्या है सॉलिड और दूसरी फेज आपकी क्या है मोबाइल फेज जो कि गैस भी हो सकती है जो कि आपकी लिक्विड भी हो सकती है और यहां पे मैंने आपको बताया कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में सॉल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिटवीन टू फेजेस मोबाइल फेज आपकी सॉलिड भी हो सकती है लिक्विड भी और स्टेशनरी फेज क्या है या तो आपका इट होगा या फिर आपके पास लिक्विड क्या होगा एडजॉर्ब हुआ होगा किसी भी सरफेस के साथ नेक्स्ट हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप जो हमने डिटेल में पढ़नी है दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी आपके पास क्या होगी चूंकि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है दैट्स इसमें आपके पास स्टेशनरी क्या होगी, होगी। लिक्विड और मोबाइल फेज इसमें हम क्या यूज करते हैं लिक्विड यूज करते हैं अब पेपर क्रोमेटोग्राफी नेम से पता लग रहा है कि इसमें आप क्या यूज करेंगे ये क्रोमेटोग्राफी आप पेपर पर परफॉर्म करते हैं तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पेपर किस तरह से स्टेशनरी फेज के तौर पे काम कर रहा है जबकि हमने कहा कि यहाँ पर लिक्विड मौजूद है एज अ स्टेशनरी फेस तो होता कुछ यूँ है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो आप पेपर यूज करते हैं उस पेपर की जो स्ट्रक्चर है जो उसमें सेलुलोज के फाइबर्स हैं उन फाइबर्स के दरमियान जो ट्रैप मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि स्टेशनरी फेज आपकी ऐसी भी हो सकती है लिक्विड ऑन 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 दी सम सम सपोर्ट सपोर्ट तो support यहां पर क्या है पेपर और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है लिक्विड स्टेशनरी फेज के तौर पर एक्ट कर रहे हैं और मोबाइल फेज हम क्या यूज करते हैं मोबाइल फेज हम कोई भी जो है मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा सॉल्यूट कैसा है जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास थे डिस्क्रिप्शन क्रोमेटोग्राफी की अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी उसको अब हम स्टडी करेंगे